सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के संदर्भ में आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस अवसर पर मन की बात एट 100 पर का कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। संगोष्ठी को उपराष्ट्रपति और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संबोधित किया। मित्रों, आज हम एक अद्भुत प्रयोग जिसने लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया, लोकतंत्र के अंदर इतने बड़े देश के अंदर 130 करोड़ की आबादी में छोटे छोटे स्तर पर देश की तरक्की को अनेक डायमेंशन में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को परिष्कृत और पुरस्कृत करने वाली हमारे नेता के संवाद के 100 एपिसोड समाप्त होने का ये अवसर है। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जन संवाद के अनेक माध्यम होते हैं, और मोदी जी ने, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत आनंद की बात है कि आकाशवाणी को जन संवाद के लिए चुना, क्योंकि मैं बचपन से आकाशवाणी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। मैं हमेशा मानता हूं कि आकाशवाणी भारत की जनता की आत्मा की आवाज है। दूर दराज इलाकों में, सीमांत क्षेत्रों में देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों की फरमाइश पर एक कार्यक्रम चलता था शाम को 7 बजे, जयमाला, और जयमाला को मैं सुनने वाला नियमित श्रोता हुआ करता था। दूर दराज के गांव के अंदर भी उनके मनोरंजन के लिए अगर कोई साधन था तो आकाशवाणी ही थी। और बदलते समय के साथ अलग अलग प्रचार प्रसार के माध्यम, संवाद के माध्यम आने के बाद आकाशवाणी लगभग लोग भूल चुके थे। मोदी जी ने मन की बात का एक बड़ा साफल्य ये भी है कि आकाशवाणी को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का मोदी जी ने काम किया है। मोदी जी किसी भी माध्यम से संवाद करते, वो संवाद जन जन तक पहुंचना ही पहुंचना था, क्योंकि इनकी लोकप्रियता ऐसी है, उनका दृष्टिकोण ऐसा है कि बात को जनता तक पहुंचनी ही थी। परंतु मैं बहुत बहुत साधुवाद प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने आकाशवाणी को माध्यम बनाया, और हमारा 6 दशकों से जो संवाद का माध्यम था वो आकाशवाणी को आज नई युवा पीढ़ी के साथ जोड़ने का काम करा, और हर गांव के, हर अंचल में, हर मोहल्ले तक इस संवाद को पहुंचाने का काम किया। एक परिवर्तन आया 2014 में, बड़ा परिवर्तन आया। इस परिवर्तन की सबसे अगर महत्वपूर्ण बात है तो वो ये हुई कि समाज और सरकार के बीच में एक जो तनाव रहता था हमेशा, उस तनाव के बजाय एक पॉजिटिव अलाइनमेंट हुआ। सरकार समाज के लिए काम करे और समाज सरकार को अपने विश्वास में ले और दोनों एक ही उद्देश्य के साथ काम करे, वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और उस परिवर्तन के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सरकार, समाज, राजनीति के कई नए आयाम खोले, कई नए पैरामीटर्स हमारे सामने रखे, ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने रखी जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। गुड गवर्नेंस की बात हमने कई जगह, आपने कई उदाहरण देखे होंगे, लेकिन राजनीतिक जीवन में जो संवाद की महत्वपूर्ण जो महत्ता होती है, वो मन की बात एक उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आपको याद होगा कि 3 अक्टूबर 2014 विजयदशमी के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात की शुरुआत की। पहला एपिसोड 14 मिनट का था, दूसरा 19 मिनट का था, तीसरा एपिसोड 26 मिनट का था, और तब तक पता चल गया था कि देश कितनी उत्सुकता के साथ इसको सुनने के लिए व्याकुल रहता है कि कब मोदी जी
हर महीने के अंतिम रविवार को आकर देश से मन की बात करेंगे तो 14 मिनट से बढ़कर ये 30 मिनट का हो गया और 99 एपिसोड हो चुकी हैं और इसी महीने की 30 तारीख को सेंचुरी लगाने का काम भी हो जाएगा। भाई और बहनों, जहां ये पहले एक भाषा में था, अब अनेकों भाषाओं में सुना जाता है, 23 लैंग्वेजेस में। संस्कृत वर्जन इसका 2017 मई को शुरू हुआ, 31 जनवरी 2016 को इंग्लिश वर्जन शुरू हुआ, अब ये 19 डायलेक्ट्स में इसको सुनाया जाता है और यही नहीं 11 फॉरेन लैंग्वेजेस में भी इसको भेजा जाता है। 50वीं एपिसोड तो हमारी 2018 में हो ही गई थी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मेंशन देखेंगे तो अब तक 1011 मेंशन हुई है, जिसमें 730 लोगों का उपलब्धियां उनके नाम के साथ उनका उल्लेख किया गया है, 281 एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्टअप और विलेजेस उनका नाम इसमें लिया गया है। सही मायने में जन जन की बात जन जन के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के मन के द्वारा हो और ऑल इंडिया रेडियो के मंच से हो, इससे प्रभावशाली कार्यक्रम और कोई हो ही नहीं सकता।